रूपा जी, यहाँ से बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में देख रहे हैं कि बीते सत्र में हमने 8600 के अभी एक लेवल जाते हुए देखा था, और अभी भी देख रहे हैं कि 8500 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों में एकदम से तेजी देखने को मिली है, फसलें आने में अभी कुछ महीने और बाकी हैं, और मंडियों के अंदर जो उपज है, अराइवल्स हैं, वो भी कम ही देखने को मिल रही है, बहुत ही सीमित मात्रा में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरसों 9000 के भी ऊपर जाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और उम्मीद भी है कि 9000 का स्तर वापस से छू भी सकता है मार्केट, क्योंकि सरसों जो है अभी आप देखिए जो वायदा के अंदर अपने लगभग ऑल टाइम हाई पर कारोबार करते दिखाई दे रही है। दूसरा, मार्केट के अंदर सप्लाई काफी कम है, डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, और त्योहारों पर सरसों तेल की डिमांड मजबूत रहने की भी संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि पिछले सीजन में फसल करीब 10% कम थी, और अभी भी नई फसल आने में फिलहाल 6 महीने का वक्त है, तो कैरी ओवर स्टॉक भी काफी कम बताया जा रहा है सरसों का, तो इसके चलते लग रहा है कि सरसों की डिमांड मजबूत हो सकती है, और कैटल फीड के लिए भी सरसों फली की मांग निकलती हुई दिखाई दे रही है। इन तो ये सारे फैक्टर है जो फिलहाल सरसों के अंदर तेजी का रुझान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से सरसों के मान के चलिए कि ऊपर में 9000 तक के स्तर संभव है कि सरसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी,